अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मेरा नाम मोइन खान और आज एक बार फिर एक छोटा सा उपाय जो कि अत्यंत प्रभावशाली है, जिससे किसी भी दो लोगों को हमेशा के लिए अलग कर सकते हैं। कैसे आपको उपाय करना है ये मैं पूरी विधि में बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। आपको मैं गलत के लिए नहीं बोल रहा हूँ कि किसी भी दो लोगों को आप चलते फिरते को अलग कर सकते हो, नहीं। जैसे आपका पति है या फिर प्रेमिका है या फिर गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, अगर आपके रिलेशनशिप के बीच में जब कोई तीसरा इंसान आ जाता है तो उसको, गलत इंसान जब बीच में आ जाता है तो उसको अलग करना ज़रूरी होता है, वरना वो आपके पूरी ज़िंदगी में जो रिश्ते हैं, आपके नाते सब बेकार हो जाएगा। आपके पर्सनल जो आपका प्यार होगा वो उसके पास चला जाएगा, दूर हो जाएगा आपसे, नफरत हो जाएगी, वो उससे बातचीत करने लगेगा। तो मैं जो आपको बताने वाला हूँ उपाय, वो बहुत ज़्यादा आसान तो है ही है, साथ ही साथ इस उपाय के माध्यम से किसी भी दो लोगों को एक दूसरे से अलग किया जा सकता है, दूर किया जा सकता है। इतना आसान ये उपाय है। तो कैसे करना है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो उपाय मैं आपको बताना चाहता हूँ ना, ये एक ऐसा उपाय है कि आपने सिर्फ एक बार करना है। काले धागे पर आपको तीन गांठें लगानी है और तीन गांठें लगाकर आपको इसको अपने निजी अंग पर बांधना है। लड़के बांध सकते हैं वैसे, और जो लड़कियाँ होती हैं वो अपने निजी अंग के नेकर में, अंडरवियर में रख सकते हैं। अगर उन बांधने की जगह ना है तो उसमें आप लड़कियां अंडरवियर में रख सकती हैं इसको, धागे को। आइए चलते हैं उपाय की तरफ। थोड़ा सा अटपटा लग सकता है, थोड़ा सा अजीब लग सकता है आपको, पर यकीनन एक बार इसका प्रयोग करने से आप किसी भी दो लोगों को हमेशा के लिए अलग कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं, दोनों लोगों में नफरत करवा सकते हैं और उनके जो रिश्ते होंगे वो टूट जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे हमेशा हमेशा के लिए। आइए चलते हैं उपाय की तरफ। ये जो आप देख रहे हैं ये काला धागा है, इसमें तीन गांठें लगानी है सच्चे मन से। क्या है गांठें? इस तरीके से गांठ मारनी है और सात बार बोलना है मनोच्चाटन, दिव्या अंग, दिव्य अंग, मनोच्चाटन काली करनी है, फिर फूंक मार देना है, फिर इस तरीके से बोलना है, फिर फूंक मार देना है, फिर इस तरीके से बोलना है। ऐसा बोलने के बाद फिर इस तरीके से, फिर इसको क्या होगा, लड़के तो अपने निजी अंग से बांध लेंगे इसको, ठीक है, ये आप देख रहे हैं। और अगर लड़कियां को करना है तो लड़कियां अपने जो चीज़ पहनती हैं अंदर की, उसमें आप इसको रख सकते हैं। ऐसा ये उपाय है। और इस उपाय को करने से पहले आपको ध्यान रखना है कि ये किसी भी मजाक में ना हो, क्योंकि गलत तरीके से किया हुई चीज़ आपको फ़ायदा नहीं पहुँचा सकती। आप अच्छे काम के लिए करोगे तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा, और जिस भी दो लोगों को आप अलग करना चाहोगे वो दोनों लोग एक दूसरे से दूर भी होंगे, एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, एक दूसरे के खिलाफ हो जाएंगे। तो इतना आसान सा ये उपाय है, मात्र एक बार इस उपाय को करके आप ज़िंदगी भर के लिए किसी भी दो लोगों को एक दूसरे से दूर कर सकते हो, एक दूसरे से अलग कर सकते हो, एक दूसरे के खिलाफ कर सकते हो। तो इस उपाय को आप घर बैठे बैठे कीजिए, फ़ायदा लीजिए। इसी के साथ अब हम आपसे विदा लेते हैं दोस्तों। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमें सपोर्ट करें। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम।